हाँ साहब जो हैं तकदीर वाले आदमी हैं, अच्छे लग के आदमी हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो अजाब है वो ये है कि जो फैसले कर ले तो पत्थर पे लगी वाले फैसले। तो गिरफ्तार हो सकते हैं खान साहब? बिल्कुल, कब तक? ये जो है ये अगले 3 महीने पॉलिटिकल वाइज अच्छे नहीं। तो बुशरा बीबी जो हैं उनसे मुतालिक भी ये बातें सामने आ रही हैं कि शायद अलहदगी हो सकती है, आपको क्या नज़र आता है? हो सकती है, अगर इस वक्त इलेक्शन नहीं हो जाए तो वह मुल्क के आगे कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सजाद कादिर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एस एस चौधरी साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोपार्मिस्ट की दुनिया में मामू के नाम से भी जाने जाते हैं। मीडिया में भी लोग उन्हें इसी नाम से जानते हैं क्योंकि वो गुरुओं के भी गुरु हैं, सबके महाउस्ताद हैं। उनसे आज हम पॉलिटिकल सिचुएशन पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, आपके सामने है पॉलिटिकल सूरत हाल। सबसे पहले मुझे ये बताइए, खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है? हाँ साहब जो हैं तकदीर वाले आदमी हैं, अच्छे लग के आदमी हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो अजाब है वो ये है कि जो फैसले कर ले तो पत्थर पे लगी वाले फैसले। हालांकि सियासत में पॉलिटिक्स में ये चीज़ें चलती थी, कंप्रोमाइज होती है, बात की बात करने वाला इनका नंगी को नहीं। हाँ साहब को जो जैसे वो इसने पूछे रहेंगे सर जैसे। तो अब मुश्किलात बढ़ेंगी? अभी तो बहुत बढ़ने वाली है मुझे कहते वहाँ से। तो गिरफ्तार हो सकते हैं खान साहब? बिल्कुल। कब तक? ये जो है ये अगले 3 महीने पॉलिटिकल वाइज अच्छे नहीं। खान साहब के लिए पॉलिटिकली अच्छे नहीं है अगले 3 महीने? मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए जो उन्हें गिरफ्तार करने की या वहाँ उनका ट्रायल होने की बातें हो रही हैं, तो आपको नज़र आता है कि मिलिट्री कोर्ट में? मैं वहाँ मिलिट्री कोर्ट में तो मेरा ख्याल है उन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं करेंगे? अरेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे अरेस्ट, कुछ और चक्कर में कर लेंगे वही बात है, वरना उन्हें क्यों, उससे बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाएगा और पॉलिटिकल भी बहुत बड़ा डैमेज होगा। हमारी सियासत को भी नुकसान होगा अगर मिलिट्री कोर्ट्स में वो करते हैं तो। और खान साहब बाहर जा सकते हैं? जो ऑप्शन दिया जा रहा है उन्हें मुल्क से बाहर चले जाएं, उनकी तबीयत में ये चीज़ें नहीं है? ये चीज़ तो नहीं, इधर रह के लड़ना है उन्होंने। तो कंप्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे जो उन्हें कहा जा रहा है कि आप रुपोश हो जाएं? कंप्रोमाइज की बात ये स्टेज पर आके कंप्रोमाइज इधर आ जाए या कुछ जोर से और प्रेशर आके आ जाए, वैसे कंप्रोमाइज करेगा। तो बुशरा बीबी जो हैं उनसे मुतालिक भी ये बातें सामने आ रही हैं कि शायद अलहदगी हो सकती है, आपको क्या नज़र आता है? हो सकती है। कब तक? कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनकी अलहदगी हो चुकी है, किसी मसलहत के तहत साथ इकट्ठे रह रहे हैं, तो ऑफिशियली उन्होंने अभी ऐलान करना है कि कब तक उनकी जो है ना वो डिवोर्स कब अलहदा होते हैं, आपको क्या नज़र आता है? हो चुकी है, होनी है, कोई वैसे घरेलू रिफ्ट्स हैं अभी आपस में, क्या चल रहा है उनके दरमियान? घरेलू रिफ्ट बहुत गहरा है इनके। अच्छा, आपको हम लोगों को अंदाजा नहीं है। अच्छा, तो डिवोर्स तय है, अब हो बाद में हो जब हो, दूसरा बीबी से अलग, तो आगे भी कोई निकाह है खान साहब की ज़िंदगी में? वो तो पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा। अच्छा, वो अभी नहीं है, यानी कि बुशरा बीबी से अलहदगी सितारों की रोशनी में या दहचे में नज़र आ रही है और गिरफ्तारी भी नज़र आ रही है। इलेक्शन मुतवक्के हैं मुल्क में, ये अक्टूबर में हो जाएंगे? बात ये है, माँ आप करें, अगर इस वक्त इलेक्शन नहीं हो गया तो बस मुल्क के आगे कोई नहीं। इंटरनेशनली हमारा इमेज नहीं जाना कि हुकूमत बोल बोल
तो इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, मजबूरन कराने पड़ेंगे। टाइम पे अक्टूबर में होंगे या आगे पीछे भी हो सकते हैं? आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं, पीछे हाँ, मतलब अक्टूबर नवंबर इस तरह महीना दो ऊपर नीचे। तो अगर इलेक्शन होते हैं, आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में हिस्सा लेगी, मौजूद होगी पूरी शद्दोमत के साथ? मौजूद होगी तहरीक इंसाफ। तो अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में आती है तो जो पब्लिक पल्स है या एक हवा क्रिएट हुआ हुआ है तो तहरीक इंसाफ मैदान मार लेगी फिर? काफी उम्मीद है। तो खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे फिर? चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं। वो शेरवानी तो नवाज शरीफ ने सिलवा रखी है, वो कह रहे हैं कि चौथी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। बिलावल, नवाज शरीफ, इमरान खान, किसके चांस हैं वजीर आजम बनने? वजीर आजम बनने के चांस वो इमरान खान के ही हैं। इमरान खान के ही हैं, बिलावल के नहीं। लोग आरामियाँ कर रहे हैं कि बिलावल बिलावल नहीं बनेगा। तो शहबाज शरीफ को भी दोबारा किया जा सकता है? शहबाज शरीफ भी दोबारा वजीर आजम बन सकते हैं क्योंकि वो भी मुफाहमत के हैं और लोगों को पसंद भी हैं। बन सकते हैं, चांस है। शहबाज शरीफ का भी चांस है। नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे? वापस आ जाएगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर या किसी ऐसी कंडीशन में नहीं। वापस आ जाएंगे इसी 2023 में वापस इलेक्शन लड़ेंगे? हो सकता है। अच्छा, अभी कोई वाजह नहीं है, लड़ते हैं या नहीं, वापसी नजर आ रही है आपको? वापसी नजर आ रही है, लेकिन इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं इस पे अभी वो नहीं है। अच्छा, अभी एक नई पार्टी हमारी सियासत के उफक में उभरी है, पार्टियां तो बनती रहती हैं, आपकी तो जिंदगी गुजरी आपके सामने, MRD की तहरीक बड़े शब्दों से अक्सर। तो अभी जहां इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन खान ने बनाई है, आपको नजर आता है सितारों की रोशनी में आपके इल्म से कि ये कोई हमारी पॉलिटिक्स में कोई तूफान मचा सकती है? तूफान तो नहीं, लेकिन अच्छे हैं लोग तो कह रहे हैं, उससे पहले शिराजा बिखर रहा है कि वहां जो लोग गए हुए थे वही बाद में कह रहे थे कि हम शामिल नहीं है, हम बस लॉन्चिंग तकरीब में गए हुए। कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसका असर तो होगा। पंजाब में किस जमात की हुकूमत आ सकती है इलेक्शन के बाद? पंजाब में किस सियासी जमात की हुकूमत बन सकती है? पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेहकाम में पाकिस्तान? इस्तेहकाम में पाकिस्तान बन सकती है, बन सकती है। लीडर है, तकड़ा है, तकदीर के बाद इस वक्त। इमरान खान को भी तो उसी ने ही वजीर साहब बनाया था ना? वो जहाज भरने में माहिर है। नाज़रीन, आपने बातें सुनी मामू जी की, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की डिवोर्स जो है वो तो तय है, लेकिन कब होती है ये वक्त अभी मुतय्यन नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो अमलियात खान साहब कर रहे हैं उसके ज़रिए उनकी बचत हो सकती है, लेकिन अभी उनके ऊपर मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।